तो दोस्तों गलन का जो सूत्र होता है, चाहे आप क्लास 11वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, सभी जगह ये आपको काम आता है। तो ये अवकलन का फॉर्मूला जरूर अपने दिमाग में नोट करके रखें, क्योंकि अवकलन से संबंधित जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। चाहे आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हो, तो मैथ में ये जो क्वेश्चन जैसे डिफ्रेंशिएट है, ये बार बार पूछा ही जाता है। इसीलिए आप लोग हमेशा अपने दिमाग में नोट करके रखें ये सारे फॉर्मूला को। इसीलिए सारे फॉर्मूला को हमने चुनकर यहाँ पर आपको बताने के लिए लाया हूं, ताकि आपको बता सकूं और याद रहे। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में ये फॉर्मूला काफी ही हेल्पफुल होगा। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अवकलन की। तो अवकलन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अवकलन निकालने के लिए किसी भी फलन का अवकलन निकालने के लिए हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स लिखते हैं। और जिस संख्या के हमें अवकलन निकालना होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद वो फॉर्मूला बन जाता है। जैसे अगर हमें साइन का अवकलन निकालना है, साइन का अवकलन निकालना है तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिख देते हैं, और साइन का अवकलन क्या हो जाता है? कॉस एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार हम डी बाई डी एक्स लिख देंगे। किसी भी संख्या का अवकलन अगर निकालना होता है, अवकलन को अंग्रेजी में डिफ्रेंशिएट कहा जाता है, तो किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएट अगर निकालना है, जैसे कॉस का डिफ्रेंशिएट निकालना है तो डी बाई डी एक्स, और यहां पर हम लगा देंगे कॉस एक्स बटा में डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएट निकालने के लिए हम लोग डी बाई डी एक्स कहते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं। मतलब डी बाई डी एक्स क्या है, आपको देखने को मिलेगा बार बार, डी बाई डी एक्स किसी भी फलन का ये अवकलन होता है। इसको आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको आपको हमेशा अपने दिमाग में नोट करके चलना है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन रखते हैं, तो आपको याद। तो देखिए पहला हमारा फॉर्मूला है डी एक्स बाई एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाता है वन एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। कोई भी कॉन्स्टेंट ले लीजिए, जैसे एक दो तीन चार पाई भी ले लीजिए, तो उसका डिफ्रेंशिएट कितना होगा? जीरो होगा। साइन का डिफरेंशिएट हो जाता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी साइन का डिफरेंशिएट हो जाता है कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएट हो जाता है माइनस साइन एक्स, टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का हो जाता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट वन बाई एक्स होता है, रूट एक्स का अवकलन हो जाता है एक बटे दो रूट एक्स। अब बात आ गया कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉट एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? इसका हो जाता है कॉसेक, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और जब कोई भी फॉर्म गुणा के रूप में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? तो कोई गुणा के रूप में कोई फॉर्म दिया रहेगा उसको गुणा करने का डिफरेंशिएट होता है यू भी के रूप में। मान के चलिए कि यहाँ पर यू भी के रूप में कोई संख्या दिया गया है, तो यू को रखकर भी का डिफरेंशिएट निकालेंगे, और फिर भी को रखकर यू का डिफरेंशिएट निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएट आप लोग याद रखेंगे, यू भी का डिफरेंशिएट हो जाएगा यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी वी बाई डी एक्स। और यू बाई भी का डिफरेंशिएट क्या होगा? यू बाई भी का डिफरेंशिएट क्या होगा? तो भी को रखकर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को रखकर डी वी बाई dx लिखेंगे, या बाटा में कितना लिख देंगे? वी स्क्वायर हो जाएगा। अब x के पावर n का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? x के पावर n का डिफरेंशिएट हो जाता है एन एक्स के पावर n माइनस वन हो जाता है। ये सूत्र का आपको ध्यान रखना है। और e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x ही होता है। आपको इस सारे फॉर्मूले को याद रखना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है। अब देखिए डी ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे वन बाई एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब इनवर्स वाला जितना भी फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएट क्या होता है मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है एक बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर,
कॉस इनवर्स एक्स का डिविजर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है माइनस एक बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिविजर कितना हो जाता है, तो एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। कॉट इनवर्स एक्स का डिविजर कितना हो जाता है, तो माइनस एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिविजर कितना हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है, माइनस एक बटे यहाँ पर हो जाता है एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। और उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का डिविजर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है एक बटे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने डिफ्रेंशिएट का जितना भी फॉर्मूला होता है सारे फॉर्मूलों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, बता दिया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को समझने में अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम चाहे टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से पसंद आया होगा, और आपको कहीं कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।